बाकी ये बिल बहुत सरल है जैसे मैंने कहा, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा है। अब ये नौबत क्यों आई कि चार जिले में एक जाति को अनुसूचित जाति से हटा करके अनुसूचित जनजाति में जोड़ना पड़ा, कि आज तो हमें पता ही नहीं है क्या स्थिति क्या है। चार बच्चे हैं और तीन को भोजन दे के संतुष्ट हैं। जब तक हम आकलन ही नहीं करेंगे, जो आंखों पर पट्टी हमने बांधी उसे उतारेंगे नहीं, देखेंगे नहीं क्या स्थिति है। सरकार से पूछो कितने किसानों ने आत्महत्या की, सरकार कहती डेटा नहीं। किसान शहीद हो गए किसान मोर्चे पे, उसका कोई डेटा कोई जानकारी सरकार पे नहीं है। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें। देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए, सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल। ये चीज काफी रेयर है कि सब लोग इस कानून में आपके सहयोग के लिए खड़े हुए हैं। मैं भी इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन मैं आपको चेताना भी चाहता हूं, क्योंकि आप खुद मंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, सामाजिक न्याय के विषय को लेकर गंभीर हैं, इन बारीकियों को अच्छी तरह समझते हैं। जो कई सांसदों ने ये चिंता जाहिर की, अपने प्रदेश की बात की, उस तरफ से माननीय वरिष्ठ सांसद ने बताया कि नदी पार एक जाति का दर्जा बदल जाता है, नदी के दूसरे छोर पे वो जाति का दर्जा दूसरा होता है। अभी वरिष्ठ सांसद फौजिया जी ने धनगर समाज की बात की, यही समाज उत्तर प्रदेश में भी उनकी मांगे हैं, र और ड के चक्कर में, एक अक्षर के चक्कर में पूरे जाति को समाज को रोका गया है। धनगर आप दूसरी जाति की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये, तो बिल तो बहुत सरल है, अब ये नौबत क्यों आई कि चार जिले में एक जाति को अनुसूचित जाति से हटा करके अनुसूचित जनजाति में जोड़ना पड़ा। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी और बड़ा दिल दिखाएं और हिम्मत से काम लें। ये मौके बार बार नहीं आएंगे कि पूरा सदन आपके सहयोग में खड़ा होगा। कितनी ऐसी जातियां हैं, कितने ऐसे विषय हैं जो सरकारी जाल में फंसे हुए हैं, आप आकलन कीजिए, सर्वेक्षण कीजिए। मैं कोल जाति की बात करना चाहता हूं। लगभग 7.5 लाख कोल समाज के लोग उत्तर प्रदेश में विराजमान हैं, पूर्वांचल के कई जिलों में विराजमान हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और कौशाम्बी, बुंदेलखंड के कई जिलों में कोल समाज है, और उनकी भी यही मांग है कि हम आदिवासी लोग हैं, हमारे पूर्वज शबरी जी थे, हम जंगल में रहते हैं, भूमिहीन हैं, हमें वंचित रखा जा रहा है और हम जनजाति के इस श्रेणी में आना चाहते हैं। ये 2002 में सरकार ने चिट्ठी लिखी थी, प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को, 2013 में कोल समाज के आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर दोबारा अध्ययन हुआ, विचार हुआ, 2014 में फिर चिट्ठी लिखी गई। तो प्रस्ताव आपको सरकार जब भेजती है, तमाम कई राज्यों में से आपको प्रस्ताव भेजे गए हैं, कई जातियों के विषय यहाँ सांसदों ने उठाए हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बड़ा दिल करके हौसले के साथ मंत्री जी आप फैसला लें और एक बड़ा मसौदा तैयार करें जिस पे हम लोग सही रूप से अपनी बात रख पाएं। जो हमारे वरिष्ठ सांसदों ने बात रखी कि आज तो हमें पता ही नहीं है क्या स्थिति क्या है, चार बच्चे हैं और तीन को भोजन दे के संतुष्ट हैं। जब तक हम आकलन ही नहीं करेंगे, जो आंखों पर पट्टी हमने बांधी उसे उतारेंगे नहीं, देखेंगे नहीं क्या स्थिति है। जो सरकार से पूछो कितने किसानों ने आत्महत्या की, सरकार कहती डेटा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट में सवाल होता है, सदन में सरकार कहती है डेटा नहीं है। जो किसान शहीद हो गए किसान मोर्चे पे, उसका कोई डेटा कोई जानकारी सरकार पे नहीं है। कम से कम इस मसौदे पे जो जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हो उसे तैयार कीजिए। जाति गणना के समर्थन में मैं आज सदन में खड़ा हूँ। इस अवसर पे कहना चाहता हूँ बहुत मजबूती के साथ कि जब तक हम गिनती नहीं करेंगे तो किस आधार पर हम फैसले ले पाए। और बाकी ये बिल बहुत सरल है जैसे मैंने कहा, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा है। वास्तव स्थिति ये है कि जमीन पे लोग ये सोचते हैं, आदिवासी लोग, वंचित समाज के लोग जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनके लिए मीठी मीठी बात करते हैं, उनको गुड़ दिखाते हैं, और जब सरकार में आते हैं तो सरकारी तंत्र उनको डाला मारता है। तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। मैं पुनः मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मसौदा इस संदर्भ में रखा, हमें मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू श्रीमती। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।